क्या खत्म हो जाएगा सबसे फेवरेट फ्रेंचाइजी का सफर आईपीएल 2024 में? क्या एक बार फिर से आरसीबी की टीम ट्रॉफी उठाने में असफल रहेगी? क्या एक बार फिर से इस टीम ने अपने सभी फैंस का दिल तोड़ दिया है? क्या एक बार फिर से आरसीबी की टीम लगातार हार के बाद बहाने देगी? स्वागत है आप सभी लोगों का न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। आईपीएल 2024 में एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले हमें देखने को मिल रहे हैं। हर मुकाबले के बाद रात को पॉइंट्स टेबल में उलट फेर भी हमें देखने को मिलता है। हर मुकाबले के बाद कोई टीम ऊपर चली जाती है तो कोई टीम नीचे आ जाती है। आपको बता दें आईपीएल का इस वक्त दूसरा चरण चल रहा है, यानी पहला चरण खत्म हो चुका है, दूसरा यानी पे बैक वीक चल रहा है। इसका मतलब यह है कि जो दो टीम्स थी वो इससे पहले आपस में भिड़ चुकी हैं इसी सीजन, अब दोबारा भिड़ने वाली हैं, इसलिए इसको पे बैक वीक कहा जाता है। तो अब ये पे बैक वीक चल रहा है, हर टीम दोबारा एक दूसरे से भिड़ंत करने को तैयार है। हर टीम उथल पुथल कर रही है पॉइंट्स टेबल में, कोई नीचे जा रही है कोई ऊपर आ रही है, लेकिन एक टीम है जो कॉन्स्टेंटली नंबर 10 पर बनी हुई है, जिन्होंने कसम खा ली है कि हम लोग यहां से ऊपर नहीं जाएंगे। वो टीम आई एम श्योर आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। तो सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए आपको बताते हैं कि हम बात कर रहे हैं आरसीबी की। आरसीबी ने कसम खा ली है कि भैया शुरुआत भी 10 से करेंगे, टूर्नामेंट का खत्म भी 10 से ही करेंगे। यानी आप ना 9 पे जाएंगे ना 6 पे जाएंगे और 4 पे जाना तो भूल ही जाइए, मतलब प्लेऑफ्स में जाना तो भूल ही जाइए। प्लेऑफ्स से याद आया कि इस वीडियो में प्लेऑफ्स के बारे में ही बात करेंगे। आपको बता दें कि आरसीबी का जो पिछला मुकाबला था केकेआर से, वो आरसीबी एक रन से हार गई। आरसीबी को केकेआर ने एक रन से हरा दिया। इस मुकाबले में हमें विराट कोहली का कॉन्ट्रोवर्शियल आउट देखने को मिला, वहीं रजत पाटीदार और विल जैक्स के बीच में गजब की साझेदारी देखने को मिली। हमें इस मैच में यह भी देखने को मिला कि कैसे एक पौने 25 करोड़ के खिलाड़ी को कर्ण शर्मा जैसे बल्लेबाज, जो कि उतनी बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं, वो भी 3 छक्के जड़ देते हैं। मिचेल स्टार्क को वो भी 3 छक्के जड़ देते हैं। तो बहुत ही ज्यादा रोमांचक मुकाबला यह हमें देखने को मिला, लेकिन अंततः जीत हुई केकेआर की। केकेआर ने दोबारा इसी सीजन आरसीबी को हरा दिया, पहले 7 विकेटों से हराया था और इस बार मात्र 1 रन से हरा, लेकिन रिजल्ट जो है आरसीबी के फेवर में नहीं गया। अब आपको बताते हैं पॉइंट्स टेबल में आरसीबी 10वें नंबर पर बनी हुई है। आरसीबी ने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं, 8 में से उसको 7 में हार का सामना करना पड़ा है और सिर्फ एक मुकाबला आरसीबी जीती है। नेट रन रेट की बात करें तो भैया इनका क्या ही नेट रन रेट है, माइनस में नेट रन रेट है, और पॉइंट्स की बात करें तो इनके 2 पॉइंट है। अब ये समझिए कि ऑन पेपर्स तो आरसीबी की टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई अभी कर सकती है, ऑन पेपर्स, अभी ऑफिशियल कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप गणित को समझे तो देखिए आरसीबी को अब बचे मुकाबले, अगर आरसीबी जीत भी जाती है तो 14 अंकों तक पहुंचेगी, और प्लेऑफ्स में अगर आपको जाना है तो आपको 16 अंक पाने ही पड़ेंगे, यानी आपको 16 पॉइंट्स ग्रैब करने ही पड़ेंगे। और आरसीबी अगर ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अगर आगे अपने मुकाबले जीत भी जाती है तो भी 14 पॉइंट्स तक जाएगी, और प्लेऑफ्स के लिए सिनेरियो जो है वो 16 पॉइंट्स का है। तो ऑन पेपर्स आरसीबी का जो सफर है आईपीएल 2024 का वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अनऑफिशियली उनके प्लेऑफ्स में जाने की उम्मीदें जो है वो खत्म हो चुकी है। जितने भी आरसीबी के फैंस हैं, फिर एक बार अपना दिल टूटने के लिए तैयार हो जाइए, अपने दिल पे पत्थर रख लीजिए और ये मान लीजिए कि एक बार फिर से आरसीबी ट्रॉफी नहीं उठा पाई है। जो विमेंस टीम ने 2 साल में काम कर दिया, वो आरसीबी की मेंस टीम 16 सालों में भी नहीं कर पाई है। अब आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि आरसीबी बचे हुए मुकाबले अपने साख बचाने के लिए जो अब आरसीबी खेलेगी, क्या अपने बचे हुए मुकाबले जीत पाएगी या फिर ये भी उनसे ना हो पाएगा? कमेंट्स करके अपनी राय मुझे जरूर दीजिए।